तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही जेन्युइन टॉपिक है जिसका के नाम है व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग काफी सारे वीडियोज अवेलेबल होंगे, लेकिन आपको व्हाट एग्जैक्टली सिविल इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में कोई नहीं बताता। तो ये हमारा वीडियो डालने का मेन रीजन यही है कि इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है और इसका जो डेवलपमेंट है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है और इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आप आज का अपना पहला टॉपिक, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं सिविल इंजीनियरिंग को डिफाइन कैसे करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग डील्स विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल बिल्ट एनवायरमेंट। दोस्तों जो हमारा एनवायरमेंट है उसको नेचुरली और फिजिकली बिल्ट करने का जो काम है, उसका डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस का जो काम है वो सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। दिस इंक्लूड्स पब्लिक वर्क, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, डैम्स, एयरपोर्ट्स, सीवेज सिस्टम, पाइपलाइंस एंड रेलवेज। इसके अलावा जितना भी कंस्ट्रक्शन, नॉन कंस्ट्रक्शन काम है, जो भी हमें फिजिकल एंड नेचुरल बिल्ट एनवायरमेंट के लिए काम आता है, वो सारा सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, ये जो सिविल इंजीनियरिंग होती है हमारी, सिविल इंजीनियरिंग इज सेकेंड ओल्डेस्ट डिसिप्लिन आफ्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग। दोस्तों ये सिविल इंजीनियरिंग हमारी दुनिया की सेकेंड ब्रांचों में से एक है और सबसे पहली जो थी वो मिलिट्री इंजीनियरिंग हुआ करती थी। मिलिट्री इंजीनियरिंग में से ही नॉन मिलिट्री इंजीनियरिंग को निकालकर सिविल इंजीनियरिंग बनाया गया, तो ये हमारी सेकेंड ओल्डेस्ट डिसिप्लिन मानी जाती है। ठीक है, और आप सिंपली कह सकते हैं इसको डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क नोन एज सिविल इंजीनियरिंग। किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन, एग्जीक्यूट और उसका कंस्ट्रक्शन करना सिविल इंजीनियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कि सिविल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज होती है जो एक देश को बनाती है। इंजीनियरिंग और भी है, जैसे सीएस है, आईटी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स हैं, लेकिन जिसमें जो सबसे पहला रेलेवेंस है वो सिविल इंजीनियरिंग का है, किसी देश को बनाने, किसी नेशन को बिल्ड करने का। ठीक है, नेक्स्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में सिविल इंजीनियर का सबसे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हमारा सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो किसान और खेती से होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सेकेंड सबसे मोस्ट हाईएस्ट जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट है पूरे इंडिया में, वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग से डेवलपमेंट होता है। तो हम सबसे ज्यादा सिविल, मतलब ये जो है कि सिविल इंजीनियरिंग है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है पूरे इंडिया के अंदर आफ्टर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जो लोग डिप्लॉय होते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में होते हैं। आइदर वो वर्कर्स हो, लेबर हो, मैसन्स हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे और कितनी पब्लिक हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट सिविल इंजीनियर्स मेक द रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको पता ही है, जो भी रोड्स का ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन है वो सारा सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं। डैम्स एंड कैनाल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फार्मिंग, जितने भी डैम्स बनते हैं, जितने भी कैनाल्स में से सब कैनाल्स निकलती हैं, जितने भी मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड फार्मिंग पर्पस, ये सब सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आती हैं, तो इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचों में से एक मानी जाती है पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सिविल इंजीनियरिंग एजुकेशन। अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो उत्पत्ति है ये जनरेट कहां से हुई थी हमारी सिविल इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट कॉलेज टू टीच सिविल इंजीनियरिंग इन यूएस, जो हमारा पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसने सिविल इंजीनियरिंग सबसे पहले टीच करना स्टार्ट किया था, वो था हमारा नॉर्विच यूनिवर्सिटी, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1819, 1819 में इसका डेवलपमेंट हुआ था और सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के बारे में इन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया में, तो आपने आईआईटी रुड़की का नाम सभी ने सुना होगा। आईआईटी रुड़की जो है सबसे इंडिया के सबसे बेस्टेस्ट आईआईटीज में से एक है और इसको हम सिविल इंजीनियरिंग का जन्मदाता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आईआईटी रुड़की है इसका डेवलपमेंट जो हुआ था वो 1847 में हुआ था और ये ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इंडिया का। पूरे इंडिया में सबसे पहले जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आया था वो आईआईटी रुड़की के अंदर आया था और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1847 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता हूं मैं
1854 में जब इसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद 1854 में इसका जो नाम चेंज करके उसका इसका जो नाम चेंज किया गया वो थॉमसन इंजीनियरिंग, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। तो ये इंडिया में फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं, और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की भी बोला जाता था 2001 से पहले, क्योंकि ये रुड़की के अंदर आता है। 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको आईआईटी में कन्वर्ट किया था, तो 2001 से आईआईटी रुड़की के नाम से फेमस है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे वर्ल्ड वाइड और इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट है सिविल इंजीनियरिंग की, वो इस तरीके से हुई थी। और नाउ डेज आप तो काफी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर सिविल इंजीनियरिंग की एजुकेशन कराई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं डिसिप्लिन्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कि सिविल इंजीनियरिंग को हमने सब डिसिप्लिन्स में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो डिवीजन है वो है हमारा कोस्टल इंजीनियरिंग, सेकंड इज कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इज अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, फोर्थ इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इज जियोटेक्निकल, साइट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग। अब हम आपको बताते हैं कि ये इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज होती है हमारे पूरे सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्स में। ठीक है, तो हम सबसे शुरुआत करते हैं पहले कोस्टल इंजीनियरिंग से। तो कोस्टल इंजीनियरिंग मैनेजिंग कोस्टल एरियाज, कोस्टल प्रोटेक्शन लाइक फ्लडिंग एंड इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, इट इज फॉर डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजिंग ऑफ रोड्स, रेल, बिल्डिंग, एयरपोर्ट्स, डैम, कैनाल्स एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो भी आप सिविल इंजीनियरिंग अपने आसपास देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इट्स गोल इज टू मेक सच स्ट्रक्चर मोर रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक। दोस्तों इसमें उन स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दिया जाता है, उन स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से बनाने पर ध्यान दिया जाता है कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो। जैसे कि एक इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट भी होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली काफी बड़ा फील्ड है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसमें कि जो भी हमारी अर्थक्वेक से बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं, हम बिल्डिंग्स को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल एंड थर्मल वेस्ट, ऑब्लिक प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर। दोस्तों जो हमारे एनवायरमेंट में इंजीनियरिंग काम आती है, दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग केमिकल, बायोलॉजिकल एंड थर्मल वेस्ट, और हवा और पानी के प्योरिफिकेशन के लिए, उस पूरी इंजीनियरिंग को हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इट डील्स विद द इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ अर्थ मटेरियल। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी वास्ट इंजीनियरिंग होती है। इट इट यूजेस द डिसिप्लिन ऑफ सॉइल मैकेनिक एंड रॉक मैकेनिक फॉर सॉल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। इसमें दोस्तों बेसिकली हमें जो हमारी अर्थ मटेरियल होता है उसकी हेल्प से उसकी स्टडी की जाती है, और इसमें हमें जो हम हमारे सॉइल मैकेनिक और रॉक मैकेनिक के प्रिंसिपल्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस के आधार पर इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं साइट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो साइट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ये भी काफी वास्ट वास्ट टॉपिक है, और ये भी सिविल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स में से एक है। तो इसमें हमारा साइट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ साइट, ये पूरा जितना भी साइट का मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो सारा इस साइट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, ये बेसिकली व्हाइट कॉलर जॉब में से एक है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या होता है? इट डील्स विद द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। और दोस्तों जो भी इंजीनियर्स इसमें जाते हैं उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर कहा जाता है। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या होता है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज एन इंजीनियर हु वर्क ऑन लार्ज स्ट्रक्चर्स सच एज रोड्स, ब्रिजेस एंड लार्ज बिल्डिंग्स। जो भी इंजीनियर्स रोड्स हो गया हमारा, ब्रिजेस हो गया, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गया, उसको स्ट्रक्चरली डिजाइन करते हैं, उसको हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम आते हैं अपना सर्वेइंग पर। सर्वेइंग दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग का, क्योंकि
क्योंकि सर्वेइंग सबसे पहला स्टेप होता है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट होती है या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, सबसे पहले उसका लैंड सर्वे होता है या उसका कंस्ट्रक्शन सर्वे होता है। तो सबसे इनिशियली फेज होता है ये किसी भी प्रोजेक्ट का, इसीलिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अ सर्वेयर मेजर सर्टेन डायमेंशंस दैट अकर ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो सर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग मोस्टली जानते ही होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग ऑफ मूविंग पीपल एंड गुड्स एफिशिएंटली एंड सेफली। दोस्तों इसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी आता है इसके अंदर, और जितने भी आप रोड, ब्रिजेस, हाईवेज देखते हैं ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसमें कहीं कहीं जगह पर रेलवे इंजीनियरिंग को भी हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि रेलवे भी हमारा यूज होता है फॉर मूविंग पीपल एंड गुड एफिशिएंटली एंड सेफली। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा सबसे अच्छे डिसिप्लिन में से एक है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग को हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद द कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। बेसिकली क्या है ये कि जितने भी पानी को कलेक्ट करना, उसका मैनेजमेंट करना इज नोन एज वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्टडी ऑफ लिक्विड मेनली वाटर फ्लो एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, ये हमारे किसी ब्रिज का फोटो है और ये हमारा कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। कहां पर? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, कैनाल्स। तो जितना भी पानी का मूवमेंट है, फ्लो है, ट्रांसपोर्टेशन है और जितना भी उसका इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो सारा हमारा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर आता है। ये हमारी सबसे ज्यादा यूज होता है जहां पर पानी का फ्लो रहता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, या फिर कहीं हमें कोई कैनाल, कहीं कोई एक कैनाल से कोई सब कैनाल हमें डिवाइड करनी है, तो वहां पर हमारी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग यूज होती है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हम यही खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक के बाद सिविल इंजीनियरिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी बेनिफिट्स, उसकी डिसिप्लिन क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे कि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।